भले ही बात की है माने पंडित जी से, माँ कह रही थी कि 3 महीने के बाद का मुहूर्त ठीक रहेगा, उससे ज्यादा का गैप अच्छा नहीं लगता, स्पेशली तुम दूसरे शहर में हो, अकेले हो, तो लोग स्टोरीज बनाते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड ना। वो बुकिंग वगैरह का भी मैं करता हूँ, तुम्हारे पापा से भी बात करनी है, कार भी बुक करनी पड़ेगी ताकि शादी तक पहुंच पाए, ऑफिस से भी मैं छुट्टी ले लूंगा, परमिशन ले लूंगा, शादी और हनीमून मिलाकर 15 दिन का ऑफ लेना पड़ेगा। गौरव और केतन बोल रहे थे कि बैचलर्स के लिए गोवा चलते हैं, तुम भी ना एक काम करो, अगले हफ्ते इधर आ जाओ, माँ को वो शॉपिंग स्टार्ट करनी है, और माँ ने मेरे लिए और तुम्हारे लिए काफी चीजें सेलेक्ट करके रखी हैं। मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती वैभव, कल मेरा पहला दिन है, मैं अगले महीने ट्राई करूं। यार तुम्हारे लिए ना तैयारी रुक नहीं सकती है, शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नौकरी? काका दूसरी किल्ली? अगर दूसरी किल्ली भी शोधली सापडली ना मी उद्या देतो तुला। चालेल, थँक यू। अगं पाणी वगैरे बघून घेशील ना बेटा? हाव हाव आय चल। बात करूंगी ना तो ये एटीट्यूड मत दिखाना उन्हें, समझ रही हो? वैभव आप छोटी सी बात, ये छोटी सी बात नहीं है, छोटी सी बात तुम्हारे लिए, मैं बात करता हूँ तुम्हारे पापा से, ये ऐसे नहीं चल सकता यार, माँ लोगों को क्या बोलेगी, लड़की मैं बस बोल रही थी। क्या प्रॉब्लम है यार, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। नहीं वैभव प्लीज। नहीं यार नहीं होगा बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं होता यार, मैं भी इतनी नहीं, बड़ी, इतना इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे समझ में आता ना कैसे क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ यार भी, बस बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मेरे को वापस उसका फोन आया ना तो देख लेना, समझी?
नमस्कार नमस्कार बस बस आया हॅलो हॅलो माय सेल्फ अमोल जोशी मी मॅथ शिकवतो यो सर मी अनुजा राव मी इंग्लिश आणि ज्योग्राफी शिकवते टू सब्जेक्ट्स नाईस म्हणजे तुम्हाला काही सुद्धा कधी मदत लागली ना तर मला सांगा गुड मॉर्निंग म्हणजे तुम्हाला दिवस रात्री कधी कशाची मदत लागली ना तर सांगा मला माझ्या भावाचा मित्र इथेच कॉर्पोरेटर आहे त्यामुळे आपली ओळख आहे इथे जोशी सर हो हो तुम्ही म्हणाले होते मला सायन्स प्रोजेक्ट मध्ये मदत करणार हो मग करतो ना बिझी दिसताय ना नाही 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 बिझी कुठे बोला घ्या ना मग लॅब मध्ये जात आहे ना हो कलेक्टर ऑफिस कडून ते जनगणनाचं काम थँक्यू लेट अस कंटिन्यू अनुजा राव हाउ मी अनुजा राव नमस्कार सर तुमचे पार्टनर आहेत अमोल जोशी हा हा काय का फाईल घ्या सर 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 ऐका ना मी जोशी सरांसोबत कम्फर्टेबल नाही आहे मी जोशी सरांसोबत कम्फर्टेबल नाही आहे ओ जोशी काय म्हणतात बघा ना तुमच्या सोबत कम्फर्टेबल नाही आहे म्हणतात काय करायचं बता हो आई ठेवा बता अमोल जोशी नाही अनुजा राव आता कोण तुमच्या सोबत पार्टनर द्यायचा मी जाते ना मी जाते कोण नेहा केवले सेमच एरिया बर या पाहिजे घ्या अहो यांच्या सोबत कम्फर्टेबल आहात ना नेहा केवले कम्फर्टेबल यांच्या सोबत थँक्यू राव म्हणजे तुम्ही मराठी नाही का नाही मी हैदराबादची आहे पण लहानपणापासून पुण्यात राहते हा तर आपलं काय बोर्डा माऊली हा ते जवळपासच आहे गोकाशी अच्छा काय झालं वो रस्ते का काम चल रहा है ना वो बहुत खड्डे पर 35 घर आहे हा तर काय तू जाएंगे ना हा जाते ना कुबाला किधर आहे कुबाला जाऊ द्या एकच घर आहे कोण नाही लिहून टाकू चला पण सच मी अकेले राहते हो हो क्यों क्यों मतलब ऐसे ही तो फॅमिली पप्पा पुणे में और मम्मी नहीं है और हस्बंड फियांसी ते जॉब करतात पुण्यात
आपण बरोबर चाललोय ना? हो हो बरोबर आहे बरोबर. बस इथे जाऊन काका किती लोक राहतात इथे? आणि ते माझ्या घरची खिडकी आणि बाबाचा 50. काय माहिती? हा येतोच. हा अरे नाही येतोच आहे. बोर्डा गावात सांगितलं नाही मला. पटकन येऊ. हा ठीक आहे सर. ना पुराना एड्रेस होगा, कोई नहीं रहता होगा इधर. चल चलते हैं. दो मिनट इतना दूर आए देखते हैं ना. अरे नमस्ते, हम जनगणना के लिए आए, कुछ सवाल पूछ रहे थे. हम अंदर आ सकते हैं? मैडम दरवाजा खोलो ना, बारिश हो रही है. अरे मैडम बारिश आ रही है ना. बस दो चार सवाल पूछे. Thank you.
सर। ये ना प्लीज बैठिए ना। आपका नाम? प्रेरणा। पूरा नाम? पूरा नाम घर में कितने लोग हैं? कौन कौन रहता है इधर? अम्मा, मैं, वो मतलब आपके हस्बैंड, और कोई है? भोला आपके भैया है? भोला क्या करता है? भोला खाना बनाता है। ली नौकर है। ये आपका पहला बच्चा है? मतलब और बच्चे हैं? वो इधर लिखना पड़ेगा कितने बच्चे हैं, सबको गिनना पड़ेगा। बच्चे तो मर जाते हैं। मतलब बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। सब हाँ आप कौन से हॉस्पिटल जाती है? बच्चों की डिलीवरी किधर होती है? मतलब नमस्ते, कौन हो तुम लोग? जनगणना के लिए आए हैं। सरकार हर 10 साल में जनसंख्या की गिनती कराती है, इसलिए हम आए हैं। हो गई। हाँ हो गई। उसकी गली पे देखा।
दादाची गाडी घर वापस येते. अगं सांग ना, कामाने उशीर झाला. त्याने बोला था ना नाही जाते. पण ते म्हणाले असं नाही होणार, एनओसी लागण. काय लावून ठेवलंय ग? मी काय नोकर आहे का तुया? नाही दादा, त्या अनुजाला चक्कर आली होती ना, मग थांबलो होतो खायला. कुठं गेल? आनंद मंडळला. तिकडे कशाला गेली मराला तू? आणि हे काय नवीन धंदे कोणी आणू तुला? हे कोण नाही दादा, मी घेतलं. तुला सांगून राहिलं, जास्त अंगात येणार असं ना तरी नोकरी बिकरी सगळं बंद करून टाका ना तुही. आणि शाळेच्या बाहेर जायला सांगितलं ना, डायरेक्ट नाही म्हणून सांगायचं. हिच्याबरोबर गेलती का? हो, ही अनुजा. अनुजा काय पूर्ण नाव? अनुजा राव. नमस्कार. नमस्कार. कुठे राहते? सेवाश्रम गलीत. मी नवीन जॉईन केलंय. एकटीच राहते का मग इकडे? हो, सध्या एकटीच राहते. चल सुद्धा मग उद्या भेट तुम्हाला. हो चल. फटाफट आ जाएंगे, अब तो रिश्ता भी मालूम है. अरे यार, उसका पति उसको मारे पीटे, तेरे को क्या? तेरे बाबा ने तेरे आई को कभी मारा नहीं क्या? मेरा दादा मेरे को रोज मारता. तो मैं नहीं आ रही. तेरे को वो लोग अजीब नहीं लगे? अरे बहुत अजीब थी, लेकिन मैं नहीं आ रही. चल ना प्लीज. अरे आप फिर से आ गई, वाह. हाँ वो आए थे ना जनगणना के लिए. अरे हाँ. अरे तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना. तो वो दरवाजा मैं खोल देता हूँ. आइए आइए, अंदर आइए. सर
नमस्ते आंटी, कैसी है? वो जनगणना वाली आई थी ना उस दिन, वो आइए ना बैठिए। प्रेरणा नहीं दिख रही? वो उनकी तबीयत खराब है। एक बार मिल सकते हैं? बोला ना उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। कितने साल हुआ ये घर में रह के? नमस्ते। वो कुछ और भी शायद है ना तुझे? दो लड़कियां आई थी गिनती के लिए, वही हैं ये। घर में कितने लोग हैं? चार। इधर कब से रह रहे हैं? बीस पच्चीस साल हो गए। पांच साल के मौन व्रत में हैं, तीन हो गए, दो बाकी हैं। बच्चा कैसा है? डिलीवरी तो हो गई होगी ना अब तक? नहीं रहा, दो हफ्ते पहले मर गया। ठीक है। मैं बहुत अच्छा कॉफी बनाता हूँ। बारिश बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर रुक जाओ। अम्मा बोल रही है अंदर आ जाओ, जाओगी तो भीग जाओगी। कैसे जाएंगे? तू किक मार, थोड़ा ये अनुजा, इतनी बारिश में नहीं जा पाएंगे, क्या करें?
गंगा को चारा डाला? हाँ दे दिया। ठीक है, खाओ तुम लोग। आइए ना। लाइट इधर रुकना नहीं चाहिए, चलते क्या? कैसे जाएंगे, बाहर ना रोड है ना लाइट, देख रही है ना ये कीचड़ में तेरी गाड़ी चलेगी नहीं, और जंगल में पता नहीं क्या क्या रहेगा। एक तो दादा मेरे को कंटिन्यू फोन कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसको क्या बोलूं। मेरे को इधर सही नहीं लग रहा। सही तो मेरे को भी नहीं लग रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अच्छा सुन, मैं दादा को फोन करके बता रही हूँ कि मैं तेरे घर पे।
भैया लड़किया है ना, वो लड़किया, वो भैया वो लड़किया बहुत गंदी है, घर पे झूठ बोल के आई है, किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो लोग किधर है। भैया बहुत दिन हो गए, जाए भैया, जाए भैया, भैया भैया जाए। भैया लड़कियां बहुत झूठी है भैया, किसी को कुछ नहीं मालूम, सच्ची। भैया सवाल भी तो कितना करती है। भैया जाओ, भैया भैया जाओ, जाओ भैया, भैया जाओ, भैया भैया जाओ, भैया भैया जाओ, भैया भैया जाओ। लाके देता है ना ये सब, इसे लिए रुका हुआ है, मना करेगा तो भाग जाएगा। Thank you.
मेरा फोन तो पानी में गिर गया, तेरा किधर है? सॉरी, सब मेरी गलती है। ठीक है रे, तूने जानबूझ के थोड़ी कुछ किया, हो गया। एक बात बता, तेरा अगर फोन नहीं गिरता तो तू किसको फोन करती? मम्मी को। वो कैसे भी करके मेरे को इधर से निकालते। मतलब तेरी मम्मी स्ट्रांग थी? बिल्कुल नहीं। पापा हमेशा बहुत मारते थे, वो कुछ नहीं बोलती थी पर मेरे लिए सबसे झगड़ा करती थी। तेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग थी। वो तो तेरी मम्मी भी करती होगी। मेरी मम्मी नहीं करती, मेरी मम्मी बहुत शांति से रहती है। मतलब जो कुछ भी हो जाए वो चुपचाप सहन करके लेती है। इसीलिए तो मैं, दादा भी अगर मेरे को मारता है ना तो मैं मम्मी को जाकर नहीं बताती, उल्टा वो मेरे को ही बोलती कि तू सरल भाग जाना। इसमें उनकी गलती नहीं है,
वो जनरेशन ही वैसी है। हो सकता है वो बराबर हो। तू अपने फियांसे की सुन के लेती है, मैं अपने दादा की सुन के लेती हूँ। ये जो प्रेरणा है ये भी तो उस बुड्ढे से मार खा ही रही है ना। देखना, दो लड़कियों ने अपना दिमाग लगाया, किधर आकर फंस गई। निया, वो जो बाहर आधा मरा हुआ पड़ा है ना, वो आदमी है। प्रॉब्लम औरत आदमी देख के नहीं आती, किसी को कुछ भी कभी भी हो सकता है। पायनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिर्षन्तु भवन्त सर्व एवं हि तस्य सबने हर्ष कुरु वृद्धं पितामह सिंहनाद विन्धोच्च शङ्खदद्मो प्रतापवान् तत्शङ्खां भेष्ट्रं पण्वान् कान् गोमुखा सहसेवाभ्याहन्त सशब्दस्तुमूलो भवता। अरे आप लोग इतनी जल्दी जग गए? हमको निकल। अरे सुनिए तो, अरे कुछ नाश्ता तो करके जाइए। नहीं नहीं ठीक है। अरे मैं पोहा बहुत अच्छा बनाता हूँ, नहीं आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। अरे सुनिए तो, अरे आप सुन ही नहीं रहे, कुछ तो खा के जाइए। मैं उपमा बना दूं? रोकेगा नहीं उन्हें। लड़कियां कल रात घर से बाहर गई थी, Oh!
हम अभी भी घर में ही है। आ जा घर में। मैंने ना मैंने उस दरवाजे से देखा, हम घर के नीचे हैं। देख क्या करिए, खोलो दरवाजा, खोलो जाने दो हमको। चाय भैया? भैया अब तो हाँ बोल दो ना, पकड़ भी लिया उन्हें। चाय भैया? थोड़ा उन्हें टूट जाने दे फिर जाना, जा जाके पानी उबाल ले। आपको कुछ तो बता कर गई होगी वो? नहीं, मला कशाला बोलेल ती, शाळेत जाऊन विचारा। अरे अंकल हिंदी में बताइए ना। अरे स्कूल में जाके पूछो ना, ट्रिप के साथ गई होंगी कई बार। स्कूल का एड्रेस होगा आपके पास? चलो नीचे चलो, देता हूँ। घरी नहीं आती? कुठे गेली मग? अरे मला का माहित, तेरे को भी कुछ पता नहीं गई क्या?
आप कौन? नरू, मेरी बहन तेरी बीवी के साथ घूम रही एक महीने से। भाई साहब वो मेरी फियांसे है। गया था मैं स्कूल अभी, अमोल जोशी करके है ना, उसका चक्कर चल रहा है बोले उसका, तेरी फियांसे का। जी पहले तो आप तमीज से बात करिए, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये ऐसे वैसे ना मेरे को मत समझा, ठीक है ना, सब मालूम है मेरे को। एक तो बेंचो मेरी बहन को लेकर भागी है वो। गाली किसको दे रहे हैं आप? तेरे को दिया क्या, वो खड़ेगा लौड़े? उखाड़ना होगा उखाड़ लो। क्या भारे बांधेंगे इधर तू? क्या भाड़ा वाला क्या लगा के रखा है आपने? जानता है क्या ज्यादा शाना चल रही क्या? तुम था दोस्त का फिर लगा तुम था? अरे तुम्हारी बहन बीबी स्कूल से गायब है और ऐसा मान रहे कि वो भाग गई। अरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा। पुलिस स्टेशन में जाऊन क्या सांगणार? नरू की बहन भाग गई बोल के पूर्ण तालुक्यात मजाक उड़वान लोग। अरे शाणे सुन, तेरे जाके बोलने का ना पुलिस स्टेशन में कि तेरी बीवी दे रही इधर सबको। मैं फिर सुन, तो उधर जाके बोलने का, लेकिन मेरा और मेरी बहन का नाम नहीं आने को होना, समझो? आएगा हाँ, स्कूल से एड्रेस। प्रेरणा को इधर ही रखते, उसके बच्चे भी इधर ही पैदा हुए। ये सब देख रही है तू? ये देख, शायद प्रेरणा उसकी वाइफ भी नहीं है, वो भी हमारी जैसे फंस गई है।
लड़कियों को खाना डाला? खाना दूंगा तो ताकत आ जाएगी, आप ही ने तो बोला था तोड़ना है। नहीं डालेगा ना तो मर जाएंगे। डाल दे।
अच्छे से खिला रहा हूँ तो खाते क्यों नहीं? दर्द से बाहर निकल सकते आता केकड़े हाँ भैया दो लड़की लोग आए थे क्या इधर? नहीं ये देख नहीं भैया कोई लड़की नहीं है। Ha ha ha.
मैंने उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। मैं उस दिन से यहाँ हूँ जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ था। सच्ची बोल रहा हूँ भैया, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। और ये अंकल का क्या प्रॉब्लम है, ये सुनते नहीं क्या? नहीं भैया, वो बात नहीं कर रहे, मौन व्रत पे। कभी देखा नहीं? वो निकलते नहीं ना बाहर हम लोग, इसीलिए। ठीक है, अगर तू देखेगा ना तो बोलना गांव में, नरू को फोन करे बोल के। ठीक है? ठीक है भैया। उस बुड्ढे ने मार दिया उसे, जैसे उसे हर बच्चे को मारता। उसके पागल कुत्ते ने बताया मेरे को। क्या हुआ भैया? किधर है मेरी बहन? चोट किधर है? आ मारा चोट! दादा! दादा!
जी भैया। भैया जाओ भैया। एक बार मुझे अच्छा लगता है, एक बार
ठीक है, बाद में करते हैं। ये क्या, एक मारूंगा ना। Thank you.
यही बता देती इशारा कर देती शायद वापस नहीं आते भाग जाते मुझे ना मुझे जाना है यहां से पापा मरेंगे प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ना मुझे जाना है यहां से मुझे नहीं रहना मुझे मेरे पापा मदद करो ना मुझे बाहर निकलना है मुझे जाना
दिया मैंने उसको। अब वो बुड्ढे को मारने चल रही हूँ मैं। नहीं 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 अनुजा, मम्मा जा, बाहर चलते हैं, वो बुड्ढा मार देगा हमको अभी। नहीं 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 अनुजा, वो प्रेगना उसकी बेटी है। सालों से अपनी बेटी का रेप कर रहा है, इतने बच्चों को मार दिया, हमारे साथ ये सब क्या? भागना नहीं मेरे को, उसको मारना है। और तेरे साथ जो हुआ उसके बाद तेरे को चाहिए वो जिंदा रहे।
Thank you.